नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह हमारा कार्डिगन का गला बनके तैयार है और अब हमें पीछे का गला बनाना है। तो इसे बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप बटन पट्टी को बुन लीजिए और इसको सुई से सिल दीजिए, या फिर बटन पट्टी को बुनते जाइए और साथ साथ इससे अटैच भी करते जाइए। आप इसको एक ओर से बना के और दूसरी तरफ लाके इसमें अटैच कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक बना के और यहाँ पीछे लाके अटैच कर सकते हैं। तो इसको किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए हम गला बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बटन पट्टी है और ये बैक पार्ट है। तो अब हम बॉर्डर बनाते हुए जब यहाँ आएंगे तो पीछे वाले पल्ले से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, क्योंकि हमारा ये उल्टा सिरा है, ये उल्टी तरफ से हमारा है, इसलिए इसमें एक करके उल्टा फंदा उठा लेंगे। हम ऐसे सीधा नहीं उठाएंगे, बल्कि बाहर से सिलाई ऐसे डालेंगे और एक उल्टा फंदा ऐसे उठा लेंगे। और अब दो फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी जो फंदा हमने उठाया था वो यहाँ पे घट गया और जो बॉर्डर के किनारे एक सीधा लाइन चला आ रहा था वो पीछे भी ऐसे ही सीधी लाइन चली जाएगी और शेष जो हमारे बॉर्डर का डिज़ाइन है उसे हम बनाएंगे। मैंने यहाँ पे इलास्टिक बॉर्डर बनाया है, आप चाहें तो कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। जो भी हमारे बॉर्डर का पैटर्न है उसे हम कायम रखेंगे। बैक साइड से मुझे सभी फंदे उल्टे बुनने हैं तो मैं सभी फंदे उल्टे बुन लेंगी। और अब फिर हम किनारे की तरफ से एक फंदा उठाएंगे, ये जो हमको सीधी लाइन दिखाई दे रही है उसी में एक सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे उठा लेंगे। अब हमारे बॉर्डर से एक फंदा अधिक हो गया है। तो फिर यहाँ पे हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे और उसके बाद जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम अपने बॉर्डर को बुनते जाएंगे और जहाँ हमको सिलाई करनी है वहाँ से एक फंदा ऐसे, देखिए ये सीधी लाइन गई है तो यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा उठा लेंगे, एक फंदा उठा लेंगे। और अब सीधी तरफ से इस उठाए हुए फंदे को वापस घटा देंगे। देखिए ये जुड़ता चला जा रहा है और देखिए यहाँ पे हमारा एक अस्तिन अपर शोल्डर है और हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। फंदा ये जुड़ता जा रहा है और बॉर्डर आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद लास्ट वाला ये सिलाई वाला फंदा है और उसके बाद हम अपना बॉर्डर जो पैटर्न है उसे कायम रखेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, जो हमको हमारा बॉर्डर है उसको हम बनाते जाएंगे और लास्ट में उल्टी तरफ से हम, चूँकि हमारा ये बाईं ओर वाला हिस्सा है ये, तो उल्टी तरफ से हम एक फंदा यहाँ उठा लेंगे। देखिए एक सीधी लाइन बनती चली जा रही है और एक फंदा यहाँ उठाएंगे कॉर्नर में और सीधी तरफ से उसको घटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें पीछे की तरफ से एक फंदा उठाना होगा और सामने की तरफ से उसे वापस घटा देना होगा। तो ये एक सीधी फंदों की लाइन बनती चली जा रही है। उसके बाद हमें अपना बॉर्डर जो भी पैटर्न है उसको कायम रखना होगा।
और या तो हम इसे बीच में लाके जोड़ेंगे या फिर यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। तो बीच में भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो यदि हम बीच में जोड़ना चाहेंगे तो हमें दोनों तरफ से बुनते हुए बीच में आना होगा। तो अब ये बाईं तरफ वाला हिस्सा है और ये दाहिनी तरफ वाला हिस्सा है। इसे बनाने के लिए हम अपना जैसा बॉर्डर है वो बना लेंगे। अब ये हमारा दाहिने तरफ वाली पट्टी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने सभी ये जितने बॉर्डर पे फंदे थे बुन लिए हैं और ये आखिरी सीधा फंदा है। तो या तो इसे बुन लूँगी और किनारे से एक फंदा उठाऊँगी। अब यहाँ दो फंदे हो गए। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो अब इन दो फंदों को एक करना है। तो हम इन दोनों को ऐसे नॉर्मली दो का एक नहीं करेंगे, वरना ये फंदा पहला फंदा ऊपर आ जाएगा और हमें सिलाई में इस फंदे को ऊपर लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और पलट देंगे। अब दूसरा फंदा आगे आ गया और फिर अब इसको नॉर्मली दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए, और शेष फंदों को चूंकि मुझे उल्टा बुनना है तो उल्टा बुन लेंगे। यहाँ एक फंदा बढ़ा भी और एक फंदा घट भी गया। देखिए फ्रेंड्स, या तो ये जो सीधी लाइन वाला फंदा है उसे अभी हम उतार लें और साइड से एक फंदा उठा लें और फिर उतारे हुए फंदे को इस पर चढ़ा देंगे और पीछे से सभी फंदे, चूँकि हमें उल्टा बुनना है तो नॉर्मली सभी फंदे उल्टे बुन देंगे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ा भी और एक फंदा घट भी गया, हमारा ये जॉइंट हो गया। इन दोनों विधियों में से हम कोई भी विधि अपना सकते हैं। हमारा मकसद इसे जोड़ना है और किनारे पर ये जो सीधी लाइन आ रही है इसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे पूरे यहाँ से उठा लिए गए हैं और ये बटन पट्टी इससे अटैच हो गया है। और अब हमें इस सिलाई का मुंह इधर करना होगा। तो इसके लिए या तो इसको निकाल के और इसका मुंह उस तरह कर दें, या फिर एक एक करके किसी सिलाई पे इसे चढ़ा लें। और अब हमें इन दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ के और इसकी इसे ज्वाइंट करना होगा। अब इन दोनों पल्लों को हमें जोड़ना होगा। तो इसकी दो विधियां हैं, या तो हम इसे सुई से जोड़ दें या फिर सिलाई से, दोनों में से एक एक फंदे लेकर और उल्टा बुनते हुए जोड़, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पे चढ़ाते जाएं या फिर सुई से जोड़ दें। इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके को आजमाया जा सकता है। तो आज हम इसे सिलाई से जोड़ते हैं। इसके लिए दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। फिर दो फंदे लेंगे और दोनों को उल्टा बुनते हुए एक कर लेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा लेंगे। इसी तरह
दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। ये हमारा जुड़ना शुरू हो गया है। इसी तरह दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेते जाएंगे और उल्टा बुनने के बाद पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पे चढ़ा लेंगे। इस तरह सारे फंदे हम क्लोज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे फंदे उतर चुके हैं और अब हम इन दोनों धागों को आपस में बांध देंगे। देखिए ये हमारा जुड़ गया है। देखिए फ्रेंड्स, गला बनके तैयार है। अब हमें इसमें बटन लगाना है, आस्तीन लगाना है और सिलाई करनी है और कार्डिगन बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बताना अच्छा लगा हो तो आप इसे आजमाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।